तो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आज जितने मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने ट्राई किया है कि क्वेश्चंस मैं लूँ, वो मैंने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सब जगह से घुमा फिरा के सब जगह से करेंगे, ठीक है। जितने हमारे 10 यूनिट्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे क्वेश्चंस लूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ने में या फिर आपको इससे हेल्प होती है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प होगी। और हम लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि HO थ्योरी पोस्टुलेट्स, जो HO थ्योरी है, हेक्सचर ओहलिन थ्योरी, ये क्या है आपका? हेक्सचर ओहलिन थ्योरी, ठीक है। ये जो HO थ्योरी, इसके बहुत सारे नाम है, मॉडर्न थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, ठीक है, इसके बहुत फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो HO थ्योरी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके HO थ्योरी को पढ़ सकते हैं, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो HO थ्योरी है, ये इसमें डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट होते हैं, डिफरेंट फैक्टर प्राइजेस होते हैं। सपोज करिए, अभी हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, फुल वीडियो, एक एक टॉपिक पे पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे बस ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, जो HO थ्योरी है, इसमें डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट होते हैं, डिफरेंट फैक्टर प्राइजेस होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि किसी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, किसी कंट्री में लेबर ज़्यादा है। कोई कंट्री कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी बनाता है, ठीक है, कोई लेबर इंटेंसिव, मतलब किसी के पास मोर लेबर लेस कैपिटल है, किसी के पास लेस लेबर मोर मतलब मोर कैपिटल लेस लेबर है, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंस होता है। तो अभी जिससे क्या होता है कि कोई कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनते, किसी में लेबर इंटेंसिव गुड्स बनते। तो देखिए, इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, आप चैप्टर जाके पढ़िए, डिटेल में आप क्वेश्चन झट से कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, HO थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट आर रिजल्ट ऑफ ट्रेड द डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस बिटवीन नेशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि दो कंट्री, कंट्री ए और कंट्री बी, एक एक पुअर है, एक रिच है, तो एक में ज़्यादा कॉस्ट लगता है बनने में, एक में कम कॉस्ट लगता है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम कम है। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर HO थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट रिजल्ट ऑफ ट्रेड द डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस बिटवीन नेशन, बिटवीन नेशन, तो एक में प्राइस ज्यादा लगता है, एक में कम लगता है, इसलिए इसका आंसर होगा डिमिनिशस, आंसर विल बी ए डिमिनिशस, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? इस चैप्टर को जरूर से पढ़िए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही अगर आप बी और एमए अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको आपको पढ़ना, ठीक है। तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप HO थ्योरी, हेक्सचर ओहलिन थ्योरी लिखेंगे, आपको आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पैराडॉक्स दैट ग्रोथ कैन मेक अ कंट्री वर्स ऑफ स्टम एस, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हैविली एक्सपोर्ट हम लोग करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी नेशन में ऐसा लगता है कि बहुत ग्रोथ करे, लेकिन ग्रोथ नहीं होता है, इससे जो कंट्री है और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में जाने लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा इमिजर्सिंग ग्रोथ, ठीक है। ये चैप्टर को भी मैंने कराया हुआ है, आपको मिल जाएगा इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा हैविली एक्सपोर्ट होता है तो लगता है कि बहुत ग्रो कर रहा है, ग्रो नहीं करता है, उससे क्या होता है, उसका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो घटता ही जाता है, डेटोरेट होता है, कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है,
इसका आंसर है इलिजर सिंह ग्रोस। जो किसने दिया है? जगदीश भगवती ने दिया है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलिजर सिंह ग्रोस किसने दिया है, तो आप याद रखिए जगदीश भगवती ने दिया है और 1958 में ठीक है दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में डिटेल में, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीव अ कंट्री वर्स ऑफ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और भी ज़्यादा वर्स ऑफ होता है पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि जब हैविली एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट होने लगेगा तो क्या होगा कि और पहले से भी ज़्यादा जो इकोनॉमी का स्थिति है वो वर्स हो जाएगा। तो ये जो इलिजर्सिंग ग्रोथ है ये किसने दिया है? जगदीश भगवती ने दिया है। ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका 1958 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो ओरिजिनली जिस पे टैक्स इम्पोज होता है उसको हम लोग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, ओरिजिनली एक पर्सन पे जो टैक्स इम्पोज होगा वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होगा। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइनल रिजल्टिंग प्लेस, इंटरमीडियरी या फिर नन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ओरिजिनली जिस पे टैक्स इम्पोज हो रहा है वो होगा इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप नेशनल इनकम और उसके जो एग्रीगेट्स हैं उसमें मैंने फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था, अगर आप वो सीख लेंगे, ये क्वेश्चन को झटपट कर लेंगे, बहुत ईजिली कर लेंगे, तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट से जहाँ पर मैंने, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी आप फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, कैसे फॉर्मूला से फॉर्मूला बना लेंगे, ये मैंने सिखाया हुआ है, बहुत पुराना वीडियो है। तो नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो उसको सीख लेंगे, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत कर लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, कि देखिए यहाँ पर क्या है, नेशनल जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अब जीएनपी एमपी से कंपैरिजन किया जा रहा है, जीएनपी एमपी से, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, माइनस की प्लस। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कौन सा साइन होगा, माइनस का होगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। अब देखते हैं आंसर हमारा कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या, जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये तो आपका रॉन्ग है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग, ये तो होगा ही नहीं। जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम लोग ने यहाँ पे निकाला था जीएनपी एमपी माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्टकट में मैंने एनआईटी लिखा है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया सी में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है सी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसपे हम लोग ने सिर्फ क्वेश्चंस किया है, बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है इसपे, इसके जो चैप्टर्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। डिटेल में आपको ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी अगर आपको कोई चैप्टर करना हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।